hey hi everyone this is Mayank Kothari in this video we are going to discuss about the latest announcement by the Institute of Chartered Accountants of India ICAI has made clear that to whom the old course will be applicable and to whom the new course will be applicable so those registering before 30 June 2017 or or on or before 30 June 2017 old course will be applicable from 1st of july 2017 if you are registering in cpt ipcc or final you will come under the new scheme of education and training for cep so the new course will be applicable to you from from 1st july 2017 so the thing is if you want to register yourself in old course you have the time till 30th june 2017 after that you won't be able to register yourself in the old course after that, if you are registering with the institute for CPT IPCC final, new course will be applicable to you. So, if you are registering till this date, old course is applicable. From this date onwards, new course will be applicable. So, it won't be possible for you to register in old course from 1st July 2017. So, 30th June is the last date if you want to register yourself in cpt ipcc final with the old course go ahead and register yourself as soon as possible before this date of 30th june ends but if you haven't registered yourself and if you have attempt uh, say in november 18 may 19 november 19 and so on then i will suggest you to wait and then register in new course it is always better to register in a new course if you haven't started your studies for your uh, particular level like ipcc final cpt whatever it is if you haven't started your classes and studies if you haven't started preparing for that wait for 1st july 2017 and register yourself in a new course again i will bring you to the institute's website to show that announcement so that it is clear that whatever i'm saying it's official by the institute of chartered accountants of india

एंड दिस इज द अनाउंसमेंट ठीक है इम्प्लीमेंटेशन ध्यान देना मैं पढ़ रहा हूँ ऑल कंसर्न आर हियर बाय इंफॉर्म्ड दैट द रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ सी ए कोर्स विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल टू रजिस्टर इन सी पी टी आई पी सी सी फाइनल अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम रजिस्टर ऑन और बिफोर थर्टीथ जून टू थाउजेंड विथ इफेक्ट फ्राम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन द रजिस्ट्रेशन इन द सी पी टी आई पी सी सी आई आई पी सी सी हो गया फाइनल अंडर द एग्जिटिंग स्कीम विल डिसकन्टिन्यू मतलब आप एक जुलाई दो हजार सत्रह से ओल्ड कोर्स में रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे द रिवाइज स्कीम विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली एट डब्ल्यू 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 डॉट आई सी आई डॉट ओ आर जी तो रिवाइज स्कीम क्या है इसकी चिंता मत करो कोर्स में क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है क्या नहीं है डोंट वरी एक जुलाई के पहले या विद इन नेक्स्ट मंथ ओनली दे विल अनाउंस इट ऑन द वेबसाइट कि नया कोर्स क्या है सो डोंट वरी अबाउट इट द ओनली थिंग दैट यू शुड वरी कि अगर आपकी क्लासेस हो चुकी है पढ़ाई आदि हो चुकी है रजिस्टर योर सेल्फ और आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्टर योर सेल्फ बिफोर थर्टी जून इन द एग्जिस्टिंग कोर्स बिकॉज अननेसेसरी वो क्लासेस पढ़ी हुई आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी अगर आपने नहीं कराया तो सो इट्स बेटर टू गो विद द ओल्ड कोर्स इफ़ यू हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द प्रिपरेशन ऑफ योर सी ए फाइनल और आई पी सी सी और सी पी टी लेवल बट यस अगर नहीं किया अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग अगर नहीं स्टार्टिंग ना ही स्टार्ट हुई प्रिपरेशन या एक हाथ सब्जेक्ट की ही क्लास हुई होगी तो प्लीज़ वेट फॉर द न्यू कोर्स इट्स बेटर टू स्टे विद द टाइम पुरानी चीज़ें पढ़ के कोई सेंस नहीं बनने वाला इट्स बेटर टू स्टेट विद द टाइम नाउ वन थिंग कम्स इन द माइंड की सर अगर मैं नया कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लूँ और मेरा अटेम मे एटीन में ही है तो फिर क्लासेस कहाँ से करूँगा यस सर देर विल बी अटन डिफिकल्टीज विच द स्टूडेंट्स विल बी फेसिंग इन फ्रेंड वेन वी टॉक अबाउट द क्लासेस बिकॉज जब नया कोर्स आएगा तो नया कोर्स हर फैकल्टी देखेगी अपना अपना सब्जेक्ट और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेगी चेंजेस रहेंगे ऑब्वियसली बात है वो चेंजेस में इनकॉर्पोरेट करने में क्लासेस में कितना टाइम लगता है ये उन फैकल्टीज़ पे डिपेंड करता है तो पहले दो मंथ तीन मंथ में तो कोई क्लासेस शायद ही हो पाएगी ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे तो शायद फर्स्ट टू थ्री मंथ्स में जुलाई के बाद जुलाई से आ, कोई क्लासेस शायद अनाउंस भी कर ले नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट

सो एंड द थिंग इज़ ओल्ड कोर्स वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या जो रजिस्टर कराने वाले हैं ओल्ड कोर्स में उनको इनफ टाइम दिया जाएगा ओल्ड कोर्स के अंदर क्लियर करने के लिए उनका लेवल सो जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है दैट इज़ नॉट ऑफिशियल कि आई वालों को तीन चांसेस दिए जाएंगे यानी तीन दिए जाएंगे और फाइनल वालों को छः दिए जाएंगे आ, कोर्स कंप्लीट करने के लिए लेट्स सी ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है आई डोंट नो एक्जैक्टली अबाउट दिस थ्री एंड सिक्स अटैम्प्ट But yes, enough time will be given to you people to clear your level in the existing course. So this is it. This is the all information about the applicability of the new scheme or the new course of the Institute of Chartered Accountants of India. So this is it. This is the new announcement by the Institute of Chartered Accountants of India. आने mm -hmm. time Institute notification announcement related to the new course, I will make sure that I will upload a video on that to give you people all the clarity about the new course. So stay subscribed.